इस डिजायर से पीछा कैसे छुड़ाओगे? पूरी दुनिया पागलों की तरह इसके पीछे भाग रही है, कैसे छुड़ाओगे? कहीं और ध्यान लगाओगे? कैसे लगाओगे? आप मान लो ये बॉटल है जिसकी वैल्यू आपके लिए 100 करोड़ है, दूसरी तरफ से एक और बॉटल है जिसकी वैल्यू 2 रुपए है, वहां ध्यान लग जाएगा आपका? लगेगा? कोई बेवकूफ का लगेगा? ध्यान चाहोगे भी तो वहां नहीं लगेगा। कुछ देर के लिए ढोंग करोगे अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाने का या और चीजों पे लगाने का, फिर घूम फिर के फिर यही आ जाएगा। यही से कहानी शुरू हो रही है, यही पे खत्म हो रही है। एजुकेशन सिस्टम इससे रिलेटेड, जॉब इससे रिलेटेड, बिजनेस इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप्स इससे रिलेटेड। कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वो भैया, सब कुछ इससे रिलेटेड। इस पानी की जितनी ज्यादा बूंदे आपके हाथ में आ जाए उतना अच्छा है, उतने आप ज्यादा अमीर हो। अब इससे पीछे छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक। पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ये हीरा है, पूरी दुनिया को, मतलब 700 करोड़ लोगों को, और 700 करोड़ लोग पागल हुए पड़े हैं, बौखलाए हुए हैं, होश ही नहीं है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको इसकी कुछ बूंदे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। यहीं से सोच शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। अगर आपको समझ आ जाए कि ये झूठ है, ये सिर्फ पानी है जिससे प्यास बुझती है, बस, मतलब समझ गए, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके पीछे पागल हुआ जाए। ये पानी है जो प्यास बुझाने के काम आता है। प्यास क्यों बुझानी है? जिंदा रहना है तो प्यास बुझानी ही पड़ेगी, बस इतना ही है। इतनी सी समझ, इससे आपके सारे डिजायर्स एक सेकंड में ढह जाते हैं इस बोतल से रिलेटेड, सारे थॉट्स ढह जाते हैं इस बोतल से रिलेटेड। अब सवाल ये उठेगा कि फिर आप कुछ करोगे क्यों? लोगों का माइंड इसी तरह से चलता है। क्यों चलता है पता है? एक पोयम है, आप लोगों ने सुनी होगी, पापा फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम, आगे नहीं आती। कितनों ने सुनी है? सुनी है? अच्छा, मेरी डॉटर है, टीवी में वो देखती है और उसको इमिटेट करती है, मतलब वैसा ही कुछ करती है। उसके जो हाथ है, ये जो 5 उंगलियां हैं, उसमें एक पापा फिंगर है, एक मम्मा फिंगर है, एक भैया फिंगर है, ऐसे। तो ये पापा फिंगर है, तो मैं क्या करता हूँ जान करके, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ा तोतला बोलती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके मुँह से ऐसे सुनने में। मैं अपनी ये वाली फिंगर करके उसको बोलता हूँ, पापा फिंगर वेयर आर यू, जबकि पापा फिंगर ये है, तो वो इमीडिएटली सामने से बोलती है, ये पापा फिंगर नहीं है, मैं तैर रही हूँ, ये पापा फिंगर नहीं है, ये पापा फिंगर है, ये है पापा फिंगर। और मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उससे सुनने में। फिर मैं कह देता हूँ ना, और फिर थोड़ी देर में बोलने लग जाता है, पापा गंदी। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ ये पापा फिंगर है, फिर कहती है पापा अच्छी। अब समझो इसका इस चीज़ से क्या रिलेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एक्चुअल में क्या है? पापा फिंगर ये है, ये है, कुछ भी बोलते रहो, ये पापा फिंगर कैसे हुई, ये पापा फिंगर कैसे हुई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बट हुआ क्या है, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसके दिमाग में ये बैठ चुका है 3 साल की बच्ची के, सुन सुन करके, बार बार उस पोएम को सुन के कि ये पापा फिंगर है। अब कोई उसको आकर के अगर बोलेगा कि ये पापा फिंगर है तो क्या होगा? वो उससे लड़ेगी, उसको बेवकूफ समझेगी, और ऊपर से सोचो 700 करोड़ लोग भी बोल रहे होते कि ये पापा फिंगर है। समझ पा रहे हो इंटेंसिटी प्रॉब्लम की? सब लोग बोल रहे होते कि नहीं यही पापा फिंगर है, यही पापा फिंगर, और कोई एक बेवकूफ आ जाए मेरे ऐसा और आकर के कहे नहीं ये नहीं है, ये है पापा फिंगर, आप क्या कहोगे? पागल है, पागल है, इसको अकल नहीं है, ये बेवकूफ है। समझ पा रहे हो इसको, उससे रिलेट कर पा रहे हो जिसकी मैंने बात करी? के माइंड में एक इतनी भयानक कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही लाइफ शुरू होती है, पैसे पे ही लाइफ खत्म होती है। हो रखी है, नहीं हो रखी है? यस और नो? एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा किसके लिए है इंडिया में? क्या इसलिए है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कि बच्चों को मजा आए, कि पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाया जाए, लेक्चर्स इंटरेस्टिंग हो, कुछ प्रैक्टिकल हो, कुछ क्रिएटिव हो, ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम? नहीं है। क्या है? ये बुक्स है, रट लो अच्छे तरीके से। नहीं है पसंद, कोई बात नहीं, रट लो अच्छे तरीके से। क्यों रटना है? रट करके वहां पर लिखना है, लिख करके क्या होगा, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे, उससे क्या होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उससे क्या होगा, आपको 4 साल तक वहां पर फिर से यही करना होगा।
पढ़ते जाओ, रटते जाओ, लिखते जाओ। अच्छा उससे क्या होगा, उसके बाद में आपको एक जॉब मिलेगी। अच्छा उससे क्या होगा, जॉब से पैसा मिलेगा, पैसे से क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आंख खोल करके देखो, आंख और कान खोल करके देखो, क्या वो लोग जो इस रास्ते से निकल करके फाइनली वहां तक पहुंच भी गए, जॉब मिल भी गई, वहां पे जा करके आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको आजादी नहीं है अपने हिसाब से सोचने की, अपने हिसाब से कुछ करने की, आपको एक काम दे दिया गया, चुपचाप ये बैठ करके करते रहो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे हमको ये कहानी समझ आती चली जाती है कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तब हमको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है कि ये सब किसके लिए? पैसे के लिए ना? क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या यही पापा फिंगर है? ये पापा फिंगर नहीं हो सकती? मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहां पे जैम लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहां पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग पूरी की पूरी दुनिया पागल भी पड़ी है पैसा कमाने के लिए? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो, हटके करो, या कुछ भी ऐसा करो जो आप कर सकते हो। लेकिन सर यूनिकनेस पहचानेंगे कैसे, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ और है यहां पर, कि पापा फिंगर ये है या ये है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरी बेटी कभी नहीं करेगी, कि पापा फिंगर ये है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं आने वाला। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे सेशन तो सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन क्या अंदर तक ये मानते हो कि पैसा कमाना आसान है? नहीं। करो हाथ ऊपर जिसके अंदर दम है ये बोलने का कि पैसा कमाना बहुत आसान है। कितने लोग हैं? बहुत कम। राइट, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम लोग इतने सारे लोगों में से। तो हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं। आप इसी को पकड़ के बैठे हो, यही पापा फिंगर है। हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है वो सब ठीक है, पापा फिंगर यही है। बोलने तो इसको पागल है ये, इसके लिए पापा फिंगर ये है, मेरे लिए तो यही है। बस दिमाग वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पे जाकर के खत्म हो रहा है। उसके बाहर हम देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। समझेंगे कैसे जब तक इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, दोबारा से बोलता हूं, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कर सकते हो तो। पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स है, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अब सुनो, अब इसके आगे मेरा काम खत्म हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी अमीर बनाना है, मुझे क्या मिलेगा आपको अमीर बना करके? और मैं यही काम करूंगा तो ये सब कौन करेगा? आप समझ गए? तो करना क्या है, सिर्फ इस बात को समझना है। अगर ये बात समझ आ गई, अब आपका दिमाग कैसे चलेगा? अब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो मेरी इस बात से रिलेटेड हो। अभी आपको ऐसे लाखों हजारों लोग नजर आ रहे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फिर आपको ऐसे हजारों लोग नजर आएंगे पूरी दुनिया में जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपको नजर वो आ रहे हैं जो सारे हार्ड वर्क वाले लोग हैं, बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा एक रिक्शे वाला करता है। लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगे, बड़ी बुरी तरह से दिमाग में बैठ गई है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस डिग्री के बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा, इस नौकरी के बिना काम, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में उठाया हुआ है, क्या क्या। तो जिसकी ये कंडीशनिंग टूट गई वो कुछ भी कर सकता है। वहां से शुरुआत हो जाएगी आपको ये रास्ते दिखने की। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे जो बात मैं बोल रहा हूं, तब तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब आप एक्सेप्ट तो ये करते हो कि बहुत मुश्किल है, और मेरे कहने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई आसान रास्ता, टट्टू दिखेगा आपको। भूल जाओ, कुछ नहीं दिखने का।
आसान दिख भी गया उसको भी मुश्किल बना दोगे। सोच ही ऐसी है,